नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे आपके इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता नहीं कि इंस्टाग्राम पर मल्टीपल अकाउंट किस तरीके से बनाना चाहिए, तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट देखना, तभी आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल पर जाना होगा। प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको ऊपर जो भी प्रोफाइल नेम होगा उस प्रोफाइल नेम पर क्लिक करना होगा। जैसे मेरा प्रोफाइल नेम है FDHH530, उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे से जितने भी प्रोफाइल होगा दोस्तों सब कुछ आ जाएगा। जैसे मेरा इतना प्रोफाइल है तो इतना प्रोफाइल आ चुका है। अगर आपके पास एक ही प्रोफाइल होगा तो उस प्रोफाइल का नाम तो आ जाएगा। उस प्रोफाइल का नाम आने के बाद उसके नीचे ऐड अकाउंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उस ऐड अकाउंट ऑप्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएगा, लॉग इन इनटू एग्जिस्टिंग अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट। आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्रिएट एन अकाउंट न्यू अकाउंट पर क्लिक करने का लास्ट में जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो एक न्यू मल्टीपल अकाउंट बनना चाहते हैं उस पर क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम तो देना होगा ना उस अकाउंट का। तो यूजर नेम मैंने टाइप कर दिया। करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मेरा जो मैं पासवर्ड देना चाहता हूँ पासवर्ड टाइप करके नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन और आएगा, कंप्लीट साइनअप, ऐड न्यू फोन और ईमेल। यानी आप लोग इससे कि आप लोग कंप्लीट साइनअप करना चाहते हैं या आप कोई दूसरा फोन नंबर या ईमेल आईडी देना चाहते हैं। अगर देना चाहते हैं तो ऐड न्यू फोन और ईमेल पर क्लिक करके उस ईमेल आईडी या फोन नंबर टाइप करके नेक्स्ट पर क्लिक करना। करने के बाद अगर मैं नहीं देना चाहता तो कंप्लीट साइनअप पर क्लिक कर दिया। कंप्लीट साइनअप पर जैसे मैंने क्लिक कर रजिस्टरिंग, यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है। जैसे कंप्लीट हो जाएगा मैं सब कुछ आप लोगों को करके दिखाऊंगा क्या क्या और करना होगा एक प्रोफाइल मल्टीपल प्रोफाइल बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर रजिस्टरिंग पर क्लिक करने के बाद सब कुछ हो चुका है तो इसमें आप अगर कनेक्ट करना चाहते फेसबुक में अगर कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते स्किप कर देना। करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस अकाउंट आप प्राइवेट रखना चाहते या पब्लिक। अगर पब्लिक रखना चाहते पब्लिक पर क्लिक करके नेक्स्ट, अगर प्राइवेट रखना चाहते तो प्राइवेट पर क्लिक करके नेक्स्ट। जैसे मैं पब्लिक कर रखना चाहता हूँ तो पब्लिक में क्लिक करके नेक्स्ट पर जैसे क्लिक किया, यहाँ पर आप लोगों को ऐड एंड फोटो या स्किप का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप फोटो ऐड करना चाहते हो तो ऐड एंड फोटो पर क्लिक करना। करने के बाद आपके पास थ्री ऑप्शन आएगा, इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक, फेसबुक के तरफ से क्या फोटो रखना चाहते हैं या टेक फोटो या कैमरा से लेना चाहते हैं, या आप लोग चूज फॉर लाइब्रेरी यानी गैलरी से आप लोग फोटो रखना चाहते हो। जैसे आपकी मर्जी हो आप लोग रख लेना। जैसे मुझे फोटो कोई भी चूज़ नहीं करना तो स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो भी प्रोफाइल होगा कंप्लीट तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एक इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को देख के आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो को अच्छा लगा लाइक एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।